फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी भी अपनी बेटी को छोड़कर स्कूल आई हूँ, क्योंकि स्कूल 8-10 मकान छोड़कर मेरे लाइन में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और 2 बजे उसको लेने जाना पड़ता है। और सुबह का टाइम तो वैसे ही बहुत काम हो जाता है, तो सबसे पहले मैं वहाँ से वापस आने के बाद अपने पौधों को पानी देती हूँ अपने टेरिस पर। और ये है मेरी मम्मी जो करेले तोड़ रही हैं, ज़्यादा नहीं निकले हैं, 2-4 करेले ही निकले हैं, लेकिन खाने को भी नहीं हो पाएंगे, और जो करेले रखे हुए हैं उसी में एडजस्ट हो जाएगा। और बैंगन भी तोड़ेंगे क्योंकि जो बड़े हो गए हैं उसको तोड़ लेंगे। तो अब चलते हैं, मेरे पास जो कबाड़ा रखा है उसे कुछ जुगाड़ करने, उससे कुछ ऐसा बनाते हैं जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और यूज़फुल भी होगा, हमारे इस्तेमाल में भी आएगा। ऐसे तो बेकार पड़ा हुआ है ये मेरे पास है एक पुराना स्टैंड जो गमले का, जो टूट गया है, 2 साल से पड़ा हुआ था बेकार, ये इसको मैंने फेंका नहीं है। इसी का आज बनाऊँगी मैं एक स्टूल वाइट सीमेंट से। तो ये मेरे पास एक वाइट सीमेंट है, 1 किलो का पैकेट है, और ये मैंने ली है एक थाली, इसमें ऑयल लगा लिया है पहले से, और एक सर्कल करके पॉलीथीन मैंने काट लिया है, वो इसमें बिछा दूँगी। बिछाने के बाद फिर अब चलते हैं, सीमेंट का पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने चारों तरफ इसको सीमेंट लगा दिया है। लगाने के बाद अब इस स्टैंड को इस पर रख दे रही हूँ, और रखने के बाद इसके ऊपर सीमेंट, ये मेरा ख़त्म हो गया था पैकेट, तो मैंने 5 किलो वाला पैकेट खोला है, तो फिर से उसका पेस्ट मैंने बना लिया। बनाने के बाद फिर इसके ऊपर फिर एक लेयर और बिछा देंगे, इससे मजबूती अच्छे से आ जाएगी। और देखिए, इसमें कम से कम 2 किलो का पैकेट मेरा लग गया है सीमेंट स्टैंड पर। ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है मेरा, पूरे में सीमेंट मैंने लगा दिया है, और इसको मैं पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। अब इसको मैं सुबह ही निकालूँगी, तो चलिए अब सुबह देखते हैं इसको। अब रात भर में ये सूख चुका है, तो चलिए अब निकालते हैं इसको। तो देखिए, इसको मैंने इसको पलट दिया है, देखिए कितने आसानी से ये निकल आया, और कितना अच्छा ये स्टूल या स्टैंड बन के तैयार हुआ। इसमें आप कुछ भी इस पे रख भी सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ मजबूती, सिर्फ 2 किलो सीमेंट इसमें लगी और कुछ भी नहीं लगा इसमें, और कितना अच्छा मेरा स्टैंड बन के तैयार हो गया। देखिए, इसको जैसे ही सुबह हुई मैं तुरंत उठकर आई देखने के लिए कि देखिए कैसे स्टैंड बन के तैयार हुआ है। तो अभी मैं कुछ करूँ, वहाँ जाना है, वहाँ से लौट कर आऊँगी, तब मैं देखूँगी क्या करना है मुझे इसमें। यह है मेरी बेटी का स्कूल, तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो अकेले भी जा सकती है, लेकिन मैं खुद ही छोड़ने जाती हूँ, लेने भी जाती हूँ। स्कूल में 10-15 मिनट ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए, मेरे पास पुराना पटरा पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, और इसका कभी यूज़ भी नहीं किया हम लोगों ने, तो इसका सनमाइका थोड़ा सा निकल गया था, तो ये बेकार पड़ा ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि स्टैंड, ये स्टूल भी तैयार हो गया है, तो ये भी बेकार पड़ा है, तो ये दोनों का कुछ ऐसा बनाते हैं थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। तो आज इस पर करेंगे मोज़ेक आर्ट, जो काम में भी आ जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये मैंने कुछ मिरर लिए हुए हैं, इसमें 3 तरह के मिरर हैं, एक लीफ शेप का है, चौकोर है, और एक सर्कल वाला है। तो मैंने कोई डिज़ाइन इसमें नहीं बनाया हुआ है, बस अब इसमें फेविकोल लगा के डिज़ाइन अपने आप ही, जब कोई चीज़ बनाने चलो ना तो अपने आप ही दिमाग में आता रहता है कि हाँ अब ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। तो मैंने पहले से कोई डिज़ाइन इसमें नहीं बनाई है, कोई इसमें लाइन नहीं खींची है, अब मैं बना रही हूँ, अब देखिए कैसे बनता है, बनकर तैयार होता है। Thank you.
देखिए मेरा बनके तैयार हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब जो मैंने दूसरा टेबल बनाया हुआ है उसके सेंटर पर स्केल से नाप लेकर मैंने सेंटर में मिरर लगा दिया है। इसमें भी कोई डिज़ाइन मैंने सोचा नहीं कि मैं कैसे डिज़ाइन इसमें बनाऊंगी, लेकिन मिरर लगाने के बाद जैसा समझ में आएगा तो अपने आप दिमाग में आता रहता ना कि इस तरह डिज़ाइन बनाऊंगी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले रख के मैं देख लेती हूँ कि किस तरह की डिज़ाइन अच्छी लगेगी, उसी तरह मैं बनाती चली जाऊँगी। मैंने दोनों में मिरर लगा लिया है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे इसका इसमें फिल करने के लिए बनाना है पेस्ट इसका। तो ये मैंने लिया है वाइट सीमेंट और ये ब्लू कलर है, ये वो कलर है जो पेंट घर में होता है ना उसके लिए जो कलर आता है, ये वो कलर है। और फेविकोल लिया है, तो एक चम्मच मैं इसमें फेविकोल डालूँगी और कलर डालूँगी। कलर आपको जो आपको पसंद हो आप वो कलर लीजिए, और लाइट हो तो लाइट, मुझे डार्क रखना है इसलिए मैं ज़्यादा कलर डालूँगी। तो इसको गाढ़ा एक पेस्ट बना लूँगी मैं। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और इसको धीरे धीरे मैं अपने उंगलियों से ही इसको फिल करूँगी, और इसको आराम से फिल करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, नहीं हाथों में चुभ सकता है ये, और बड़ी आसानी से ये फिल हो जाता है। इसी तरह मैंने दूसरा भी पेस्ट तैयार किया है और उसे भी इसी तरह मैं फिल कर दूंगी, और फिल करने के बाद दो घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी। और ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा दोनों कलर का थोड़ा सा सीमेंट बच गई है, तो मैंने सोचा कि लाओ इसका थोड़ा सा इसमें लीफ शेप का बना के मैंने पेपर में बिछा दिया है कि कभी किसी काम में आ जाएगा, मेरे फेंकने से अच्छा है किसी न किसी काम में यूज़ ही हो जाएगा। तो उसके लीफ शेप का बना दिया है, थोड़ा कंकड़ के जैसे मैंने बना दिया है, जैसे गिट्टी होती ना उस तरह ही बना के मैंने छोड़ दिया है। अब इसका क्या यूज़ होगा ये तो बाद में पता चलेगा, फ़िलहाल तो मैंने सीमेंट फेंकने से अच्छा है कि मैंने इसको बना के रख दिया है। ये देखिए इस तरह हो गया है, ये एक डेढ़ घंटे हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया है, हल्का हल्का, क्योंकि अभी हल्का सा गीला है ना, तो किसी कपड़े से हल्का सा पानी लगा कर हल्के से धीरे धीरे आसानी से ये साफ़ हो जाता है, नहीं ज़्यादा ड्राई होने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है साफ़ करने में, बहुत उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब ऐसे जो साफ़ करेंगे तो इसमें आसानी से ये साफ़ हो जाता है। देखिए साफ़ होने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।